गुड इवनिंग मित्रों, मैं संजीव कुमार जायसवाल, आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग सेंटर। मित्रों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कोणों का मापन, मेजरमेंट ऑफ एंगल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन अर्थात प्रस्तावना। त्रिकोणमिति शब्द दो शब्दों त्रिकोण एवं मिति शब्द से मिलकर बना हुआ है। त्रिकोण शब्द का अर्थ है तीन कोणों वाली आकृति अर्थात त्रिभुज, और मिति शब्द का अर्थ है माप या मेजर अर्थात तीन कोणों को मापने वाली आकृति ही त्रिकोण मिति कहलाती है। नोट, त्रिकोण मिति गणित की वह शाखा है जो त्रिभुज की भुजाओं कोणों की माप से संबंधित होती है, उसे हम त्रिकोण मिति कहते हैं। इस विकास का मूलतः त्रिभुजों से संबंधित ज्यामिति समस्याओं को हल करने के लिए किया गया था, लेकिन वर्तमान में इसका उपयोग विज्ञान, भूकंप शास्त्र, विद्युत परिपथ के डिजाइन तैयार करने के, अणु की अवस्था को वर्णन करने में, समुद्र में अपने आने वाले ज्वार की ऊंचाई के विषय में पूर्वानुमान लगाने में, संगति लय का विश्लेषण करने में, अन्य दूसरे क्षेत्रों में भी इसका उपयोग होता है। उसके बाद हम देखेंगे एंगल अर्थात कोण। माना एक किरण ओए है, यदि किरण अपनी प्रारंभिक बिंदु अर्थात इनिशियल पॉइंट ओ के परितः घूमकर स्थिति ओ बी में पहुंचती है तो कोण ए ओ बी बनता है। नोट, अर्थात कोण एक ऐसी आकृति है जो किसी दी हुई किरण को उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घुमाने पर बनती है। अगला देखते हैं हम लोग रिवॉल्विंग रे अर्थात परिक्रमी किरणें को कोण की जनन रेखा कहते हैं। परिक्रमी किरण की प्रारंभिक स्थिति OA को कोण AOB की प्रारंभिक भुजा अर्थात इनिशियल साइड तथा अंतिम स्थिति OB को कोण AOB की अंतिम भुजा टर्मिनल साइड कहते हैं। परिक्रमी किरण के प्रारंभिक बिंदु O को जिसके परितः किरण घूमती है कोण AOB को शीर्ष कहते हैं। अगला हमारा है मेजर ऑफ एन एंगल कोण का माप। किसी कोण की प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा तक घुमाव की मात्रा उस कोण का माप कहलाती है। अगला हमारा है धनात्मक कोण अर्थात पॉजिटिव एंगल। यदि कोई परिक्रमी किरण अपने प्रारंभिक बिंदु के परितः वामावर्त अर्थात घड़ी की सुई के घूमने की विपरीत दिशा घूमकर अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति में पहुंचती है तो इस प्रकार निर्मित कोण को हम लोग धनात्मक कोण के नाम से जानते हैं। अगला हमारा है निगेटिव एंगल जिसको हम ऋणात्मक कोण कहते हैं। यदि कोई परिक्रमी किरण अपने प्रारंभिक बिंदु के परितः दक्षिणावर्त अर्थात घड़ी की सुई के घूमने की दिशा घूमकर यदि अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति में पहुंचती है तो इस प्रकार निर्मित कोण को ऋणात्मक कोण कहते हैं। अगला हमारा है राइट एंगल जिसको हम समकोण बोलते हैं। यदि कोई परिक्रमी किरण अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति में पहुंचने तक किसी वृत्त का एक चौथाई भाग अर्थात क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल तय करती है तो इस प्रकार निर्मित कोण का माप एक समकोण होता है। अगला हमारा है क्वाड्रेंट अर्थात चतुर्थांश। कुल चार चतुर्थांश होते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थांश। अगला हमारा है कोणों को मापने की पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। कोणों के मापन की निम्नलिखित तीन पद्धतियाँ हैं। पहला हमारा है साष्टिक पद्धति अथवा एंगल पद्धति, दूसरा हमारा है सटीक पद्धति अथवा फ्रांसीसी पद्धति, तीसरा हमारा है वृत्तीय पद्धति। सबसे पहले हम देखेंगे साष्टिक पद्धति अथवा एंगल पद्धति। तो साष्टिक पद्धति, इस पद्धति में एक समकोण को बराबर भागों में विभक्त किया जाता है जिनमें से प्रत्येक भाग को एक अंश अथवा एक डिग्री कहते हैं। एक अंश को प्रदर्शित करने के लिए प्रतीक व एक अंश का प्रयोग किया जाता है। एक अंश को 60 बराबर भागों में विभक्त किया जाता है जिनमें से प्रत्येक भाग को एक मिनट कहते हैं। एक मिनट को प्रदर्शित करने के लिए प्रतीक 1 के ऊपर डैश का प्रयोग किया जाता है।
एक मिनट को 60 बराबर भागों में व्यक्त किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक भाग को एक सेकेंड कहते हैं। एक सेकेंड को प्रदर्शित करने के लिए प्रतीक 1" का प्रयोग किया जाता है। कुछ पॉइंट हैं, एक समकोण बराबर 90 अंश, एक अंश बराबर 60 मिनट और एक मिनट बराबर 60 सेकेंड। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। और अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे सटीक पद्धति, जो हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। फिर मिलते हैं, तब के लिए नमस्कार।